अभी तक हम सभी को सॉन्ग डाउन और जिमिन की डेटिंग को लेकर ऑलरेडी काफी सारे प्रूफ तो मिल ही चुके हैं, लेकिन रिसेंटली कई सारे आर्मीज ने अपने डिटेक्टिव वाली ड्यूटी निभा कर कुछ और ऐसे प्रूफ निकाले हैं जिसको देखने के बाद आप सभी को भी लगेगा कि डेफिनेटली जिमिन और सॉन्ग डाउन के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो है ही। लेकिन क्या आप जानते हो कि रिसेंटली सॉन्ग डाउन ने थोड़े और प्रूफ आर्मीज के सामने लेकर रख दिए हैं, जिसके बाद आर्मीज और कंफ्यूज हो गई हैं कि क्या रियल है और क्या फेक। लेकिन एक चीज तो 100% रियल है और वो है कि आपको BTS के धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे साथ देखने को जरूर मिलेंगे हमारे चैनल एडुफैक्ट्स रिएक्शन पर। तो उस चैनल को जरूर विजिट करें, वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ डिकोड करना चाहते हो कि सॉन्ग डाउन और जिमिन के बीच में क्या चल रहा है, तो आइए हमारे आज के सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कई सारे आर्मीज को कुछ फोटोज मिली हैं, जहां पर BTS के मेंबर जिमिन ने ना कुछ बर्तन यूज करे हुए हैं जो कि सॉन्ग डाउन की स्टोरीज में यूज करे हुए बर्तन से काफी ज्यादा सिमिलर हैं। अब दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यूटेंसिल्स और बर्तन से शिपिंग का क्या ही लेना देना है। तो कई सारे फैंस का मानना है कि कई बार शायद सॉन्ग डाउन और जिमिन एक दूसरे के साथ ही डिनर कर रहे थे, या तो सॉन्ग डाउन के घर पे या फिर जिमिन के घर पे, क्योंकि उनके यूटेंसिल्स काफी सिमिलर हैं। लेकिन क्योंकि दोनों ने फोटोज वगैरह अलग अलग पोस्ट करी, इसलिए हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब आर्मी देख रही है तो उनको ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा सेम चीजें हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम बर्तन जिमिन और सॉन्ग डाउन ने यूज किए हुए हैं, और इसीलिए आर्मीज का मानना है कि शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारे डिनर डेट्स पे प्रेजेंट थे। लेकिन कुछ आर्मीज का कहना है कि ये काफी ज्यादा बेकार और लेम एक्सक्यूज है, क्योंकि हम सभी के घर में स्टील के बर्तन होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सभी सेम बर्तन में खाना खा रहे थे या फिर सब डेट कर रहे थे। हालांकि इसके सिवा भी कई सारे लोगों ने एक फोटो में नोटिस किया एक बहुत ही स्पेशल एडिशन नेकलेस, जो कि सॉन्ग डाउन ने अपनी फोटो में पहना हुआ था, और वही सेम नेकलेस जिमिन ने भी पहना था। बहुत ही ज्यादा महंगा लुई विटॉ का वी स्पेशल एक्सक्लूसिव लैंग्वेज वाला ये नेकलेस है जो कि दोनों ने पहना हुआ था। कई सारी आर्मीज का कहना है कि ये भी उनकी डेटिंग की निशानी है। फिर कुछ आर्मीज ने नोटिस किया कि एक दिन सॉन्ग डाउन ने कुछ फ्लावर्स पोस्ट किए थे जो कि जिमिन की एक लाइव में रखे हुए फ्लावर से काफी ज्यादा सिमिलर थे। इवन जो पॉट है वो भी एकदम एग्जैक्टली सिमिलर लग रहा था, फ्लावर पॉट। इसके सिवा एक फोटो जिमिन ने पोस्ट करी थी साइकिलिंग की, और कुछ दिन बाद सॉन्ग डाउन ने भी साइकिलिंग की कुछ फोटोज पोस्ट करी थी, और आर्मीज का कहना है कि दोनों फोटोज में साइकिल जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। तो ये सारे प्रूफ्स मिलकर आर्मीज को लगता है कि भाई डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन अभी भी जो आर्मीज इसके अगेंस्ट है, उनका यही मानना है कि ये सब बेकार की बातें हैं और आर्मीज का अजम्पशन है। तो आप बताओ कि आपका इस चीज को लेकर क्या कहना है, कि आपको लगता है कि डेटिंग प्रूफ रियल है या फिर फेक। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।